नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 News। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। सागर कानपुर हाईवे गबरई नगर में ग्रामीणों का पैदल निकलना है तो दुश्वार। ग्रामीण दलदल एवं मजबूरी की जिंदगी में जीने को मजबूर। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार गड्ढा मुक्त का अभियान चलाकर करोड़ों रुपए उत्तर प्रदेश सरकार सड़कों का निर्माण करा रही है, माफियाओं को नहीं पड़ता फर्क, सड़कों को हो कर रही है धराशायी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में खनन माफियाओं के हौसले इस प्रकार बुलंद हैं कि क्षेत्र बाई क्षेत्र से निकलने वाले खनन डंपर से होने वाला खनन सड़कों को कर रहा धराशायी। सभी आदेश को देखा रहे हैं ठेंगा। कबरई से ग्रामीण क्षेत्र की सड़क हो गई बर्बाद। खनिज विभाग की साठगांठ से फूल फल रहा खनन माफिया। TTN न्यूज चैनल पर गड्ढा मुक्त का होगा मुद्दा। महोबा से पवन रावत के साथ। हमारा जी राजगोपाल कहाँ करने वाले हैं, कौन से मोहल्ल? विशाल नगर के, विशाल नगर कबरई जी। कबरई की विशाल नगर की जो सड़क है गड्ढों में तब्दील है, क्या कहेंगे इस विषय में लेकर के? आप कैसे रात बिरात परेशानियाँ होती, पैदल निकलना दुश्वार है, अगर बरसात हो जाए तो भाई है, ये बन जाए सड़क तो अच्छा है, परेशानी बहुत है। नहीं तो जैसे कि इस मोहाल विशाल नगर को लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि वो अवैध डंपर निकल रही है यहाँ से मकानों से होते हुए, तो डंपरों बड़े बड़े अवैध डंपरों ने इन सड़क को जर्जर कर दिया है, गड्ढों में तब्दील कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार वाले हैं आप? कबरई विशाल नगर जी। कौन सा माहौल है कबरई का? विशाल नगर, विशाल नगर जी। विशाल नगर में ये सड़कें जर्जर पड़ी हैं, तीन तीन हाथ चार चार हाथ के गड्ढे हैं सड़कों पर, क्या सड़क का निर्माण नहीं हुआ कभी? अभी हुआ था, काफ़ी बार हो चुका है, पर इसका कुछ आगे कुछ हुआ ही नहीं है। आगे मतलब बनने का कुछ चांस ही नहीं मिला अभी तक। क्यों अभी ये तो नहीं बता सकते सर जी क्या है, पर बता रहे हैं कि इधर वो किसी की ज़मीन पड़ रही है, उसमें मुकदमा लगा है, पड़ा है। मेन सड़क में किसी की ज़मीन पड़ रही है जी, बता रहे हैं, सुनने को मिला है, अभी तो हमने देखा नहीं। तो क्या कबरई उत्तर प्रदेश सरकार ने गड्ढा मुक्त अभियान चलाया था, सड़कों को बनवा करके गड्ढा मुक्त अभियान चलाया था, उसको लेकर क्या लग रहा है? कबरई में ऐसी कौन सी सड़क है जहाँ सुरक्षित है, आदमी जनमानस निकलने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती है? ऐसी कोई सड़क ही नहीं है कि जिसमें सुरक्षित हो। सब गड्ढों में तब्दील है कबरई नगर पंचायत में, सब गड्ढों में तब्दील है। क्या कहेंगे इस विषय में, जैसे कोई मरीज या कोई परेशानी आती है रात बिरात तो कैसे आप वाहन निकलते हैं, कैसे आप लोग पैदल निकलते हैं? क्या जो आपके मकान के जस्ट सामने बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है इनमें, क्या कहेंगे इस परेशानी को लेकर के? सर हम तो दरख्वास्त करेंगे सरकार से कि जल्दी से जल्दी ये गड्ढे अड्डे बन जाएं, और जैसे कि जो अवैध खनन निकल रहा है यहाँ से, बड़े बड़े डंपर निकल रहे हैं, तो क्या इसमें कहीं शासन प्रशासन की थोड़ी कमियाँ हैं कि जो रास्ते से इधर बस्ती से निकालते हैं, मेन रोड से निकाल सकते हैं डंपर जी। जी बड़े बड़े अवैध पहाड़ देख रहे हैं जहाँ पर एलएलटियाँ चल रही हैं, खुदाई चल रही है पहाड़ों की, मिट्टी खनन हो रहा है, तो खनन वालों का अच्छे अच्छे माफिया वालों का है यहाँ पर बोलबाला है, बोलबाला है, उसमें आम जनता क्या करेगी? राघबिन जी कहाँ के रहने वाले हैं? नीक माहौल कौन सा है जी? विशाल नगर। विशाल नगर जी, आप गड्ढों ये मकान में जो आप रह रहे हैं ये गड्ढों में तब्दील है, रात बिरात परेशानियाँ होती हैं, क्या कहेंगे इस विषय? क्या कहें, जो दुकान हम कई बार जो दुकान हमें कहा जब कोई नहीं सुनता है तो जो तो क्या किया जाए, अब जो तो जैसा सबका होता है वैसा हमको भी होता है, क्या करें, अब जो दुकान हमें जो तो बने नहीं रहा है बहुत।